नमस्कार। गुनाह के कई रास्ते होते हैं, कई तरीके होते हैं। कोई खून खराबा करता है तो कोई गैर कानूनी तरीकों से सरकार को नुकसान पहुंचाता है। किसी के डर से कोई शहर छोड़ जाता है तो किसी माँ का बेटा एक बार घर से बाहर निकलता है तो फिर घर नहीं लौटता। बेचारी माँ अपने लाल के इंतजार में आंसू लिए इंतजार करती रहती है। ये हाल है आम लोगों का। एक तरफ पुलिस दावे तो खूब करती है तो दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां करती है। इन्हीं सब बातों को लेकर आपके सामने हाजिर हूं मैं प्रशांत कुमार। अगले आधे घंटे तक देखते रहिए आपका अपना शो पूर्व एकरण स्पेशल। एक रिपोर्ट की माने तो बिहार सरकार को हर साल 1,800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आखिर कौन है जो सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि ये खुलासा किया किसने? बिहार सरकार को करोड़ों का नुकसान, कौन लगा रहा है सरकार को चूना? हर साल 1800 करोड़ का हो रहा नुकसान। जी हां, बिहार सरकार को हर साल 1800 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार को हो रहे करोड़ों के नुकसान के बारे में खुद राज्य की पुलिस ने खुलासा किया है। रोहतास के एसपी रह चुके शिवदीप लांडे ने एक रिपोर्ट तैयार की है। तैयार रिपोर्ट में एक सिंडिकेट के बारे में खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खनन माफिया और कोयला माफिया के कारण हर साल सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दरअसल सूबे के जीटी रोड से होकर हर रोज हजारों मालवाहक ट्रक गुजरते हैं। आरोप है कि इन ट्रकों में बिना परमिट के पत्थर और कोयला का उठाव और वितरण बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में होता है। अभी वर्तमान में जो भी इस तरह के अवैध कार्रवाई हो रही है या होती है समय समय पर, पुलिस उसमें निश्चित रूप से सख्त रूप से कार्रवाई कर रही है। जैसे रोहतास में आपने देखा होगा, एसपी रोहतास ने कार्रवाई काफ़ी की है, एसपी कैमूर ने भी कार्रवाई की है। रोहतास के तत्कालीन एसपी शिवदीप लांडे से मिली रिपोर्ट के बाद सरकार हरकत में आती है। राज्य सरकार ने लांडे की रिपोर्ट को बेहद ही गंभीरता से लिया है। पूरे मामले की जाँच राज्य की आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी गई है। ऐसी रिपोर्ट एसपी ने दी है, इसकी जांच का भार जिम्मा ईओयू को दिया गया है, जो हम लोग का इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट है, उसमें इस विषय पर जांच की का जिम्मा डीजीपी सर ने उन्हें दिया है, और इसमें निश्चित रूप से हम लोग जांच कर सही कार्रवाई करेंगे। बहरहाल इतने बड़े मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना है कि इस जाँच में घिरे लोगों के नाम कब तक सामने आते हैं। मसला गंभीर है, इसलिए पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी गई है। ईओयू अपने ओर से मामले की जांच शुरू भी कर दी है। खैर, अब यह देखना होगा कि आर्थिक अपराध इकाई की इस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। एक दूसरे खुलासे ने झारखंड में पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। हरियाणा से गिरफ्तार अब्दुल समी के तार झारखंड की जमीन से जुड़े हुए हैं। आतंकियों के तार झारखंड से जुड़े होने की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। झारखंड से AQIS के कथित आतंकी अब्दुल रहमान कटकी के तार जुड़े थे, वो झारखंड भी आ चुका था। अब ताजा नाम अब्दुल शमी का जुड़ गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के मेवात से अलकायदा इंडिया के एक संदिग्ध आतंकी अब्दुल शमी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शमी झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। बिष्टुपुर थाना इलाके के एक रेजिडेंसी में किराए के मकान में रहता था अब्दुल शमी। अब्दुल शमी के पिता सत्तार का कहना है कि उन्हें फोन के जरिए अपने बेटी की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी मिली। वो दिन से हमारी बातचीत थी, उन्होंने ये बताया कि वो इससे पहले जो है हफ्ता दस दिन पहले कभी पकड़ाए होंगे कुछ आदमी लोग जो आतंकवादी वाले मामले में, तो उस शख्स पे आधार पर इसको भी पकड़ा है। टीवी देखा ना, जब उनसे मेरी बातचीत हो गई तो हमने घर वालों को कहा कि भाई मामला ऐसा ऐसा हो गया है, ये बता रहे हैं कि आतंकवादी वाला कोई मामला है, तो टीवी देखो, टीवी में जरूर देगा। तो हम लोगों ने जब टीवी देखा, उसका फोटो वगैरह देखा, तो बोला अरे ये तो हमारा बेटा है अब्दुल शमी नाम का है। तो उसमें हम लोग एक चैनल देखा, वो अब्दुल शमी नाम आया, तो भाई होगा अब्दुल शमी कोई। लेकिन जब हर चैनल को देखने लगा हम लोगों ने, तो उसका फोटो आया तो देखा तो हमारा ही बेटा है। मोहम्मद सत्तार अपने बेटे को निर्दोष बताते हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा जमात के सिलसिले में दिल्ली गया था, और फिर उसके बाद कैसे वहां पहुंचा उन्हें नहीं पता। कौन सा रूट दिए ये तो हमको नहीं पता, लेकिन अभी हम टीवी में देखने से हमको ये मालूम हो रहा है कि उसको हरियाणा में पकड़ा गया जी। अब रूट कौन सा था उन लोगों का, दिल्ली से कौन सा रूट मिला था, ये तो नहीं पता हमको।
इधर झारखंड पुलिस का इस बारे में कहना है कि गिरफ्तार शमी अब्दुल रहमान कटकी का ही चेला है। कटकी ने झारखंड में कई लोगों को आतंक की शिक्षा दी थी, उन्हीं के बीच का शमी भी हो सकता है। अब्दुल शमी एक जमशेदपुर के रहने वाले एक युवक हैं जो मेवात एरिया हरियाणा में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उससे ये जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो अब्दुल रहमान कटकी के इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन में जो आया है उसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। कटकी का वो डिसाइपल है, कटकी का शिष्य है, और जिस तरह से कटकी ने कुछ बच्चों को भी ट्रेन किया था उस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ नौजवानों को भी ट्रेन किया था, और नौजवानों को ट्रेन करने के पीछे यही राज हो सकता है कि उनसे कुछ कार्रवाई करवाई जाए। तो अब यही अज्यूम किया जा सकता है कि उनको कोई टास्किंग की गई थी, जो इनिशियल इंट्रोगेशन में ये आया है कि कोई टास्किंग की गई थी, अब वो आगे खुलेगा पर्दा कि क्या टास्किंग की गई थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि ये झारखंड से कनेक्शन है, और झारखंड कनेक्शन को और भी हम लोगों को उद्भेदित करने की ज़रूरत होगी। कहा जा रहा है कि गिरफ्तार शमी ने पाकिस्तान में हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ली है। शमी कटक से गिरफ्तार अब्दुल रहमान कटकी के संपर्क में आया था। साल 2015 में AQIS के मुखिया मोहम्मद आसिफ गिरफ्तार कर लिया जाता है। आसिफ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गिरफ्तार करती है। आसिफ की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने ओडिशा के कटक से AQIS के आतंकी अब्दुल रहमान कटकी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों भारत में अलकायदा के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। आसिफ UP के संभल का रहने वाला है और कटकी ओडिशा के कटक का। पुलिस का मानना है कि अलकायदा के गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी भारत में अलकायदा की जमीन तलाश रहे थे। शमी की गिरफ्तारी के बाद झारखंड पुलिस भी चौकस हो गई है। आतंकियों का झारखंड कनेक्शन सामने आना पुलिस की चिंता बढ़ा देता है। सवाल है कि क्या झारखंड आतंकियों का पनाहगाह बनता जा रहा है। जमशेदपुर से मुकेश कुमार मिश्रा, रांची से सन्नी शरद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। एक महिला डॉक्टर को धमकी मिलती है, रंगदारी मांगी जाती है, और फिर इसके बाद डॉक्टर दंपति शहर से बाहर चले जाते हैं। क्या यह दहशत प्लान है? जब इस बारे में पुलिस से सवाल किया गया तो पुलिस ने इसे खारिज कर दिया। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके का भद्रघाट है। भद्रघाट में महिला डॉक्टर हेना रानी देवनाथ का क्लिनिक है, जहां कभी डॉक्टर हेना रानी पेशेंट देखा करती थी, लेकिन अब ये क्लिनिक बंद है। क्लिनिक बंद होने के पीछे रंगदारी का मामला बताया जा रहा है। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। आरोप है कि डॉक्टर हेना रानी को 9 तारीख से एक अनजान नंबर के जरिए फोन किया जा रहा था। उनके पास लेटर भी भेजा गया। बताया जा रहा है कि फोन और लेटर के जरिए 5 लाख की रंगदारी की मांग की गई। रंगदारी मांगे जाने से डॉक्टर का परिवार दहशत में आ जाता है। 14 जनवरी को स्थानीय थाने में इस बारे में मामला दर्ज करा लिया जाता है। पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है, लेकिन धमकी देने वाला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हिना रानी देवनाथ है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा ब्लैकमेल और रंगदारी मांगी जा रही है। पूर्व में जैसा कि उनका कहना है कि 26 तारीख को कुछ लोग उनके पास आए थे, उनका इंटरव्यू लिए, कोई NGO वाले आए थे। उसके बाद 9 तारीख को एक उनको पत्थर मिला जिसमें उनको ब्लैकमेल और धमकी वगैरह दी गई। उसमें एक नंबर दिया गया है जिसमें पुलिस जांच कर रही है और अनुसंधान कर रही है। हम लोग उद्भेदन के काफी करीब है। हम लोगों को उम्मीद है कि यह मामला जल्दी खुल जाए। धमकी के पीछे सावंत सिंह नाम के शख्स का हाथ बताया जा रहा है। डॉक्टर से 5 लाख रुपए लेकर बेऊर जेल मोड़ पर आने की बात कही गई थी। वहीं डॉक्टर हेना रानी इस मामले के बाद पटना से बाहर हैं। कयास लगाया जा रहा है कि रंगदारी की धमकी की वजह से वो पटना से बाहर चली गई, लेकिन पुलिस ऐसी किसी भी बात से इनकार करती है। पुलिस डॉक्टर के बाहर जाने को उनका निजी मामला बता रही है। सावंत सिंह नाम का एक व्यक्ति पर आरोप लगा है। उसको आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे हैं कौन है, और तब तक उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। हालांकि घटना के बाद जो है दंपति जो है दोनों यहां से नहीं है।
वो उनका निजी डिसीजन है, पुलिस उनको अगर ऐसी कोई धमकी वाली बात है तो सुरक्षा मुहैया करवा रही है। उसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, फिर हम लोग जो घटना हुई है, जो नंबर दिया गया है उसके आधार पर हम लोग घटना के उद्भेदन के काफी करीब है। जैसा तो जल्दी खुलासा हो जाएगा। जैसा सर लगता है कि लोग गायब है, कहीं डर का माहौल तो उनके नहीं है? डर का माहौल नहीं है क्योंकि सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। ऐसा डर का माहौल होना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग पूरी तरह से अनुसंधान कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते तब तक पीड़ित परिवार का दर्द कम नहीं होगा। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना सिटी।